सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस कहावत की नज़ीर है 92 साल की सलीमन। 92 साल की सलीमन उम्र की बेड़ियों को तोड़कर अब पढ़ना लिखना सीख रही हैं। तो चलिए आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं सलीमन ने 92 साल की उम्र में कैसे अपने जीवन में एक नए चैप्टर को लिखा है। सलीमन जब 14 साल की थी तब उनका निकाह करा दिया गया। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बीच वो पढ़ नहीं सकी, वहीं शिक्षा की कमी उन्हें हमेशा से होती रही। बता दें कई साल पहले सलीमन के पति का इंतकाल हो गया था। बच्चों को पढ़ा लिखा सलीमन ने उन्हें बड़ा किया। अब पोते पोतियों को पढ़ता लिखता देख मन में उनके पढ़ाई करने की इच्छा फिर से जगी, तो उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें पढ़ना है। इसके बाद वो टीचर के पास गई और कहा कि मुझे भी पढ़ना लिखना सीखना है। प्रधान टीचर ने उन्हें कॉपी किताब देकर पढ़ाना शुरू किया। तब बुजुर्ग महिला ना गिनती जानती थी और ना ही अपना नाम लिखना जानती थी, लेकिन आज वो इतनी काबिल हैं कि उन्हें 1 से लेकर 100 तक की गिनती आती है और वो अपना नाम भी लिख लेती हैं। बुलंदशहर सदर तहसील के गांव चावली स्थित प्राथमिक विद्यालय में महिला प्रधान अध्यापक डॉक्टर प्रतिभा शर्मा है, जिन्होंने बुजुर्ग महिला की पढ़ने की इच्छा को पूरा किया है। विद्यालय में बने परीक्षा केंद्र पर रविवार को बुजुर्ग सलीमन ने साक्षर भारत अभियान के तहत नव साक्षर बनने की परीक्षा दी और वो उसमें पास हो गए। वहीं अब बुजुर्ग महिला विद्यालय में बने परीक्षा केंद्र पर रविवार को बुजुर्ग सलीमन ने साक्षर भारत अभियान के तहत नव साक्षर बनने की परीक्षा दी और वो उसमें पास हो गए। वहीं अब बुजुर्ग महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें बुजुर्ग महिला पढ़ते हुए दिख रही हैं। वहीं सलीमन ने बताया कि कुछ महीने पहले पोते पोतियों की पढ़ाई लिखाई देखकर उन्होंने पढ़ने की इच्छा जताई थी। इस पर पोते उन्हें अक्षर ज्ञान के लिए विद्यालय ले गए। सलीमन ने जब हाथ में कलम पकड़ी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बच्चों के साथ बैठकर क्लासरूम में अक्षर ज्ञान सीखने लगी। अब वह किताबों को आसानी से पढ़ने लगी हैं। वह सलीमन का कहना है कि परीक्षा उन्होंने इसलिए दी ताकि वो पता लगा सके कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है और पहली बार परीक्षा देकर उन्हें बेहद अच्छा महसूस हो रहा है। इसके साथ सलीमन ने बताया कि वह बचपन से ही पढ़ना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला। उस बीच आसपास स्कूल भी नहीं थे और लड़कियों को पढ़ाने का चलन भी समाज में कम था। उनका निकाह 14 साल की उम्र में हो गया था। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पर आपकी क्या राय है अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।